कोरोना की दूसरी लहर के कहर से देश अभी संभलना शुरू ही हुआ है, लेकिन इस बीच वैज्ञानिक 3 महीने बाद तीसरी लहर के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से दुनिया के 29 देशों में कोरोना का नया रूप मिलने के दावे ने साफ कर दिया है कि जरा भी लापरवाही बरतने का मतलब संक्रमण की सुनामी का फिर सामना करना होगा। ब्रिटेन में 11 जून की यह तस्वीर शायद इस भरोसे के लिए थी कि अब मास्क से मुक्ति मिल जाए। कोरोना काल में दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष बिना मास्क के एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन अभी 7 दिन भी नहीं बीते हैं कि आशंका जताई जा रही है कि ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। और इसकी वजह है कोरोना का डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट से ब्रिटेन में लोग इस तरह से खौफ में हैं कि वहां की संसद में भी विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। कोरोना संक्रमण पर यह सवाल इतना अहम था कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को खुद इसका जवाब देना पड़ा। No, Mr. Speaker, I think that Captain Hindsight needs to adjust his retro spectroscope because he's completely wrong. We put India on the red list, Mr. Speaker, on April the 23rd, and the Delta variant was not so identified until April the 28th, Mr. Speaker, and was only identified as a variant of concern on May the 7th. अगर आपने बोरिस जॉनसन की बातों को ध्यान से सुना होगा, तो आपको इसमें भारत का नाम सुनाई दिया होगा। वो इसलिए क्योंकि डेल्टा वेरिएंट भारत में म्यूटेंट हुआ था। देश भर में एक खतरा मंडराने लगा है, ये खतरा है डेल्टा वेरिएंट प्लस का। देश भर में अब तक 7 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी सामने आया है। जिस महिला में डेल्टा वेरिएंट प्लस की पुष्टि हुई है, वो महिला वैक्सीनेटेड है और राहत की बात यह है कि उनकी तबीयत भी ठीक बताई जा रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जैसे ही डेल्टा वेरिएंट प्लस का मामला सामने आया, उसके बाद चौकन्ना हो गया है और इसको लेकर स्टडी भी की जा रही है। भोपाल के बड़खेड़ा पठानी में एक 65 साल की महिला में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। अभी इस महिला का इलाज चल रहा है, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग खुद इस पर नजर रख रहे हैं। NCDC ने ये बताया था कि भोपाल में एक उन्हें कुछ अलग वेरिएंट मिला है, जिसको उन्होंने हमें इत्तला की और हमने तुरंत उस पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की और ये सुनिश्चित किया कि उसकी स्प्रेडिंग ना हो। भारत में फिलहाल इस बदलाव पर नजर रखी जा रही है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 7 मामले मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मिले हैं। मौजूदा समय में भारत में वायरस के K417N म्यूटेशन वाले वेरिएंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। माना जा रहा है कि ये यूरोप और अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। इस बीच मॉस्को में कोरोना का तेजी से फैलना दुनिया भर के देशों के लिए नई चिंता का विषय बन गया है। 16 जून को रूस में कोरोना के कुल 13,397 नए मामले सामने आए। इनमें से 5,782 केस सिर्फ मॉस्को में पाए गए। एक बात तो तय है कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। पिछले 1.5 साल में कोरोना ने जिस तरह से तबाही मचाई है, वो हम सब के लिए एक सबक है। अभी भी देश की बेहद कम आबादी वैक्सीनेट हो पाई है, इसीलिए जरूरी है कि आप मास्क लगा कर रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि यही वो तरीके हैं जो कोरोना से आपको बचा सकते हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।